गीत और संगीत सभी के मन को भाते हैं। गीत और संगीत सभी के मन को भाते हैं, मानो क्या प्राणी इसके वश हो जाते हैं। प्रकृति में होता नर्तन और परिवर्तन हृदयों का, सहज सरल ही मन के तार ईश्वर से जुड़ जाते हैं। सहज सरल ही मन के तार ईश्वर से जुड़ जाते हैं। प्यारे साथियों, गीत और संगीत के सुहाने सफर का नाम है आपकी फरमाइश। म्यूजिक गॉडलीवुड के इस विशेष शो में मैं ब्रह्मा कुमार सतीश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रूहानियत से भरे हुए ईश्वरीय गीतों का ये सुहाना सफर, जिसमें आप बहुत अच्छी अच्छी फरमाइश करते हैं गीतों की, और हम आपकी ख्वाहिश पूरी करते हैं। तो चलते हैं इस सुहाने सफर में। सर्वप्रथम भुवनेश्वर उड़ीसा से। ओम शांति, मैं बीके कल्पना भुवनेश्वर। मुझे ये फरमाइश के गीत जो है बहुत ही पसंद आया, लेकिन मेरे पसंद का गीत है वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। ओम शांति। कल्पना बहन ने गीत की फरमाइश की है, बहुत प्यारा सा गीत है। गीत के बोल हैं, वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर। सुनिए और उन पलों में परमात्मा को बसा लीजिए और अपने पलों को अमर बना लीजिए। सुनिए। उसका ही हाथ हो,
सुख दुख हो रात दिन हो हर पल ही साथ हो। ऐसा न हो कि याद करें उसको काम पड़े, पल भर निकालिए प्रभु के कहते हैं कि जब तलक है जिंदगी, फुर्सत नहीं है काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम करो भगवान से। प्यारे साथियों, जिंदगी चलने का नाम है और इसमें कभी वक्त नहीं मिलता है। वक्त तो वहाँ मिलता है जहाँ इंटरेस्ट होता है। आपको पल निकालने पड़ेंगे और जब भी ये पल निकालेंगे परमात्मा के लिए, वही पल आपके काम में आएंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए इस गीत की रचना की गई है, जिसको म्यूजिक दिया है श्याम सदरांगणी जी ने और गिरीश भाई जी इसके सहयोगी हैं, और बहुत सुंदर सा गीत बन गया है जिसे सुरेश वाडकर जी ने गाया है। ऐसे ऐसे गीत जो हैं अमर गीत हैं, जिन गीतों में परम धाम पर अपनी नज़र डालिए और देखिए वो हमें बुला रहा है, अपने प्यार में समाना चाहता है, अपना सब कुछ देना चाहता है, तो क्यों ना हम ऐसे पल निकालें उसके भी नाम पर। आप यूं ही सफर में साथ चलते रहें और सफर का लुत्फ हम उठाते रहें। प्यारे साथियों, चलते हैं अगले पड़ाव पर। ओम शांति, मैं बड़ौदा से बीके नीति, और मुझे आपकी फरमाइश प्रोग्राम में हम कितने भाग्यवान ये गाना सुनने की फरमाइश है। नीति बहन बड़ौदा से आपने गीत की फरमाइश की है। गीत के बहुत प्यारे से बोल हैं, हम कितने भाग्यवान हैं भगवान पढ़ाते हैं। बहुत सुंदर सा गीत है, सुनिए और ईश्वर की वो पढ़ाई की, उसकी पालना की अनुभूति, उससे अपने दिल को सरसब्ज कर लीजिए, हरा भरा कर लीजिए और आनंद ले लीजिए। भगवान है भगवान पढ़ाते हैं, हम कितने भाग्यवान है भगवान
शाह है गजब खुशी बेहद हर्षाते अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते बेहद हर्षाते हैं अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं हम कितने भाग्यवान
अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर शाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर शाते हैं। बेहद हर शाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर शाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। प्यारे साथियों, कभी कभी ऐसा भी होता है जो काम बड़ों बड़ों से नहीं होता है वो छोटे काम कर दिखाते हैं। बड़ी साधारण सी इस गीत की रचना में बहुत सुंदर सा सहयोग मिल गया। अनिल शर्मा जी ने धुन बनाई है पुनीत जी के साथ साथ मिल करके, और पुनीत ने और दामिनी बहन ने दोनों ने इस गीत को गाया है। बड़ा प्यारा सा गीत है जिसकी रिकॉर्डिंग दिल्ली में हुई थी, और वहाँ पर जब इस गीत की रचना हो रही थी इतना आनंद आया कि इस गीत के पीछे जो भाव है कि अगम निगम के सारे भेद खुल गए, जो बिल्कुल पता नहीं था वो परमात्मा ने वो हकीकत सब राज जो है वो खोल दिया और मुझे अपने से मिला लिया। और कितना नशा है, कितना उमंग है कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, अद्भुत गीत बन गया है। खूब नशा चढ़ाने वाला, रूहानी नशा चढ़ाने वाला। आप ऐसे गीत सुनिए और परमात्मा पालना का, उनकी शिक्षाओं का, उनके द्वारा जो मिल रही जो निर्देश है, श्रीमत है, उसका आनंद लीजिए और जिंदगी को महकाइए। अगले पड़ाव में रिस्पेक्टेड भाई जी, मैं हूँ सोहन घोष, हवाइन गिटारिस्ट कलकत्ता से। बाबा का एक गाना हमको बहुत अच्छा लगता है, वो गाना है जो प्यार मिला मुझे तुमसे। ये गाना जब आप सुनते हैं हमको बहुत इंस्पायर हो रहा है। ये गाना गाए है रिस्पेक्टेड सतीश भाई जी। ये गाना सुनने से हमारा दिल में एक डिवाइन फीलिंग्स भी आती है। मैं ये गाना सुनने के लिए आपके पास मेरा निवेदन कर रहा हूँ। ओम शांति। शोभन घोष कोलकाता से आपने गीत की फरमाइश की है। गीत के बोल हैं, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं कैसे मुख से। बहुत प्यारा सा गीत है जिसे अभिजीत ने गाया है। बहुत प्यारा सा गीत है, सुनिए और फिर इसकी कहानी आपको बताता हूँ। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, मुझको इतना सम्मान दिया मेरे लाड़े।
हम समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से, जो प्यार मेरा मुझे तुमसे। तन है यहाँ मेरा, मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। तन है यहाँ मेरा, मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। प्रभु प्रेम की पैर जमीन पे नहीं रहते, जब छूटा माया के चंगुल से, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से, जो प्यार मिला मुझे तुमसे। हमारे प्रिय भ्राता भानु भाई जी का लिखा हुआ ये गीत, जिसको गाया है अभिजीत जी ने, और अभिजीत जी ने इसका धुन भी तैयार किया है और उन्होंने गाया भी है। बहुत प्यारा सा गीत है, ऐसा गीत बन गया कि जो सीधा ही परमात्मा के प्यार में डुबो देता है। आदि जानकी जी के शताब्दी समारोह के लिए इस गीत को सादर सेवा में समर्पित किया अभिजीत ने। बहुत प्यार से उन्होंने धुन बनाया और इसको गाया भी है, और ऐसा गीत बन गया जो परमात्मा में समा देता है। तो आप भी ऐसे गीतों का आनंद लीजिए और मुस्कुराते रहिए। तो चलिए अगले पड़ाव पर। ओम शांति सतीश भाई जी, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से दिव्या बोल रही हूँ। मुझे आपका ये प्रोग्राम, आपकी फरमाइश बहुत पसंद है। इसमें जो भी गीत सुनाए जाते हैं वो मन को खुश कर देते हैं, हम अपने सारे दिन की टेंशन भूल जाते हैं और बहुत खुशी मिलती है, उमंग उत्साह महसूस होता है। तो मैं भी आपके इस प्रोग्राम में अपना पसंदीदा गीत ए आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश, ये गीत सुनना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ ये प्रोग्राम हमेशा चलता रहे, क्योंकि इसमें जो गीत सुनाए जाते हैं वो मन को आनंद से भर देते हैं। दिव्या बहन रायपुर से छत्तीसगढ़ से आप फरमाइश करती हैं, गीत के बड़े प्यारे से बोल हैं, ऐ आत्माओं सुन लो प्रभु का शुभ संदेश। बहुत प्यारा सा गीत है, जो ईश्वरीय संदेश देने वाला गीत है, सुनिए और आनंद लीजिए।
आज से 15-20 वर्ष पूर्व ऐसी मांग हुई कि ट्रैफिक कंट्रोल के रिकॉर्ड फिर से बनाने, दूसरे बनाने, तो उसी क्रम में छोटे छोटे गीतों का निर्माण हुआ। संयोग बस बहुत प्यारा सा गीत बन गया। इस गीत को धुन बनाई ओम व्यास जी ने और गाया कविता कृष्णमूर्ति जी ने। बहुत प्यारा सा गीत है। इस गीत को मैं अक्सर करके अपने विदेशी भाई बहने जो माउंट आबू में आते हैं हर वर्ष, और उनको मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, तो हिंदी पढ़ाने के दौर में उनको एक दो गीत सिखाता हूँ, तो विशेष करके आए आत्माओं सुन लो शिव का शुभ संदेश, ये गीत सिखाता हूँ, जिसको बड़े प्यार से, और विदेशी भाई बहने वैसे भी वो इसको गाते हैं, इतने प्यार से गाते हैं, आप सुनेंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा कि विदेश के लोग बड़े सुंदर से कलात्मक ढंग से अपनी भाषा में लेकिन बहुत प्यार से गाते हैं। तो सुनने योग्य गीत है और परमात्मा का अच्छा सा संदेश देता है। ऐसे गीत कालजयी हैं, बहुत प्यारे से गीत हैं। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो चलते चलते हम आ गए हैं अपने अंतिम पड़ाव पर। ओम शांति सतीश भाई जी, मैं खरगोन से पंकज भावसार बोल रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम, आपकी फरमाइश बेहद पसंद है। इसी में मुझे अपना एक पसंदीदा गाना बनाया प्रभु ने है अपना सुनना है। धन्यवाद। इस गीत को फरमाइश की है पंकज भाई और खरगोन से। बहुत प्यारा सा गीत है। गीत के बोल हैं, बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख है कितना। बहुत प्यारा सा गीत जो परमात्मा के प्यार को हमारे दिलों में भर देते हैं, उसकी याद आती है और सहसा निकलता है, बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख है कितना। सचमुच बड़ा सुखदायी गीत है, सुनिए और आनंद लीजिए। है किस्मत की
सुख हमें है कितना। किस्मत पे हम इतराते हैं गाते हो के मत वाले। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। नए इतने तारे अंबर में, न सागर में ही जल इतना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख कुमार राठौर और साधना जी के संयुक्त प्रयास से उनके स्वरों में ये गीत बहुत ही सुंदर बन गया है। इसको धुन दी है श्याम सदरांगणी जी ने गिरीश जी के साथ मिलकर के, बहुत प्यारा सा गीत बना। और याद में जब बैठते हैं और ये गीत बजता है तो वाकई इतना सुकून मिलता है और परमात्मा के प्रति प्रेम में दिल खो जाता है। ऐसे ऐसे गीत जो है वो कालजयी हैं, बड़े सुंदर से गीत हैं। जब भी सुनिए, परमात्मा की याद जैसे कि बरबस बरसता है और हृदय जो है उसके प्यार में खो जाता है। कौन कहता है कि मेरा योग नहीं लगता है, ऐसे गीत सुनिए और आप सहज ही अपने मन के तार परमात्मा के साथ जोड़ करके उसके बन जाइए, उसके प्यार में समा जाइए। तो साथियों, चलते चलते हम अपने सफर को पूरा कर चुके हैं। अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, फिर हम बार बार मिलते रहेंगे। आप अपने प्यारे प्यारे से इन गीतों की फरमाइश करते रहें और हम आपकी ख्वाहिश पूरी करते रहेंगे म्यूजिक गॉडलीवुड की इस विशेष शो आपकी फरमाइश में। आप अपनी फरमाइश ख्वाहिश मैसेज के द्वारा स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेजें और हम सुनाते रहेंगे। आप सुनते रहें, मुस्कुराते रहें और अवश्य देखते रहें आपका अपना पसंदीदा चैनल म्यूजिक गॉडलीवुड।